पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। हम लोग घोर निंदा करते हैं कि हमारी एक डॉक्टर बहन की इतनी निर्मम हत्या कोलकाता में हुई है। अगर हम जागरूक नहीं होंगे और ये बहुत दुखद है। अरे भाई, वो गलती से है, दुर्भाग्यवश। माता पिता जो भी हैं, सबके मन में दुख होना चाहिए। कोई डॉक्टर की बात नहीं है, एक बेटी की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि बंगाल के लेडी डॉक्टर के साथ हुई दुष्कर्म और उसके बाद हत्या के बाद पूरे देश के डॉक्टरों ने इसका प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। तो वहीं ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध में IMA के डॉक्टरों ने भी अपना विरोध प्रदर्शन किया था। उसके बाद आज IMA के सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उसमें चंपारण से विभिन्न जगहों से आए हुए डॉक्टरों ने अपने अपने विचार रखा और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं IMA के डॉक्टर। पहले आप इनका बयान सुने। जी, आज बैठक हुई है, आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मोतिहारी के द्वारा जो यहाँ पर सभा हुई है, हम लोग घोर निंदा करते हैं कि हमारी एक डॉक्टर बहन की इतनी निर्मम हत्या कोलकाता में हुई है और हम सभी एक साथ उसके लिए खड़े हैं। पूरा समाज, पूरी सोसाइटी, पूरा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, हम सभी एक स्वर में इसके विरोध में आवाज़ उठा रहे हैं। ज़रूरत है सबको समझने की। जिस प्रकार सारे डॉक्टर्स ने आज पैन डाउन किया है, OPD बंद किया है, आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। एक दिन अगर डॉक्टर बैठ जाए तो इसकी इम्पोर्टेंस को सबको समझना होगा, सरकारों को भी समझना होगा, हर किसी को समझना होगा, नेताओं को भी समझना होगा, एवरीबॉडी सबको समझना पड़ेगा कि अगर डॉक्टर बैठ जाता है तो समाज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक दिन केवल OPD का सवाल नहीं है, अगर एक दिन इमरजेंसी भी बंद हो गया तो सोचिए क्या होगा, कितने मासूमों की जान चली जाएगी। ऐसे में हम डॉक्टर्स बहुत ही आहत हो चुके हैं कि हमारे लिए भी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में सारे मेडिकल एसोसिएशन के सारे डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, हम सभी ने आवाज़ उठाई है। उस बहन की जो हत्या हुई है उसके लिए हमें इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, और इसी के संदर्भ में हम यहाँ बैठे हैं। और स्थितियाँ बहुत विकट है बंगाल की। वहाँ एक महिला मुख्यमंत्री भी है, स्वास्थ्य मंत्री भी है, वहाँ की गृह मंत्री भी है, उसके बावजूद भी उस प्रदेश में भी महिला सुरक्षित नहीं है। जी, बताया जाए, आपने काफ़ी, आपको मन में आक्रोश है इस बहन की हत्या पे, आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, आक्रोश होना चाहिए। और जो भी बाप बेटा, माता पिता जो भी हैं, सबके मन में दुख होना चाहिए। कोई डॉक्टर की बात नहीं है, एक बेटी की बात है। इसलिए आप लोगों से पहले तो क्षमा चाहेंगे कि जो भी OPD सर्विसेज हमने ब्लॉक किए हैं उससे जिन लोगों को तकलीफ हो रही है उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन आप लोगों को समझना होगा कि ये जो स्टैंड लिया गया है डॉक्टर्स द्वारा, वो पूरे समाज के लिए लिया गया है। केवल एक बेटी डॉक्टर है इसलिए नहीं लिया गया। बार बार ये घटनाएँ इस देश में हो रही हैं और हमने देखा है कि इस बात को लेकर चर्चा इस देश पर अभी तक पूरी गंभीरता से नहीं की गई है, चाहे वो ज्यूडिशरी हो, चाहे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हो। मेरा यही अनुरोध है कि अब निंदा करना बंद कर दें और इसके बारे में हम लोग कुछ जो है ठोस कदम उठाएं, कुछ ऐसा स्टेप्स लें। मैं कुछ सजेस्ट करूंगा। सबसे पहले तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उसको ये समझना होगा कि ये हमारी अपनी बेटी है, उसके बाद ही वो पीड़ा समझ पाएंगी, है ना। दिन भर हम लोग गरीब और ये और जाति पाति हर चीज़ की बात करते हैं, पर वो एक देश की बेटी है, वो हमारा भविष्य है। हमारा भविष्य जो है अगर इस तरीके से कुचला जाएगा तो किसी गरीब की बेटी भी डॉक्टर नहीं बनना चाहेगी, क्योंकि उसको भी हिम्मत नहीं होगी कि मेरा माँ बाप इतना पैसा खर्चा करके, इतना त्याग करके मुझे डॉक्टर बना रहा है। तो जब डॉक्टर की ये स्थिति है तो इंजीनियर कौन बनना चाहेगा? बड़ा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहेगा। तो आप लोगों से अनुरोध है, प्लीज़ इस बार हमें क्षमा कर दें और हमारे साथ जुड़ें, हमारी आवाज़ बने। और हम चाहते हैं कि सरकार इस घटना पे मौन व्रत में है, क्या कहना? देखिए, ये तो पॉलिटिकल टिप्पणी मैं नहीं करूँगा, लेकिन एक इंटेलिजेंट पर्सन होने के नाते साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जो भी हुआ है उसमें कुछ ना कुछ अलग एंगल एक उभर रहा है। हो सकता है पॉलिटिकल एंगल हो, ना भी हो, एक घोर अपराध ही सही। लेकिन जिस प्रकार से बंगाल सरकार ने, इसके पहले भी जब डॉक्टर्स की पिटाई हुई थी आज से 2 साल पहले, तो इसी तरीके से रात में 2 बजे 12 बजे लोगों को भेजकर उनको पीटा गया था, विद्रोह को चुप कराया गया था। हम मोतिहारी में पैदा हुए हैं, आप लोगों को गर्व होना चाहिए। महात्मा गांधी को महात्मा गांधी बापू का टाइटल इस डिस्ट्रिक्ट के वजह से मिला है।
इस शहर के वजह से मिला, यहाँ के लोगों के हिम्मत और पीड़ा के वजह से मिला, तो अपनी पीड़ा को भूलिए मत, है कि नहीं? अगर वो आवाज़ ममता दीदी नहीं उठाएंगी, ममता बनर्जी जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नहीं उठाएंगी, एक महिला होने के नाते अगर वो महिला की पीड़ा नहीं समझ सकती हैं, तो इससे ज़्यादा शर्मसार करने वाली कोई बात नहीं है। आप लोगों से अनुरोध है, अगर कुछ ऐसा होता है तो एकजुट कर कड़ा विरोध करें, ताकि लगे कि हाँ हमारे लिए कोई खड़ा है, समाज हमारे पीछे खड़ा है, तभी हमारी बेटियां जो हैं आगे कुछ कर पाएंगी, वरना वो हिम्मत कम्प्लीटली उनका जो है बिखर जाएगा। बस इतना ही, धन्यवाद। IMA के डॉक्टरों ने कहा कि जिस तरह से देश में डॉक्टरों पर हमला हो रहा है और उसका हत्या भी कर दिया जा रहा है, इसको लेकर वहाँ के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, चाहे देश के प्रधानमंत्री इस पर कड़ी से कड़ी कानून बनाए और जो भी अपराधी हो उसको सजा दिलाने का काम किया जाए। इस तरह की बात कहते नजर आए IMA के डॉक्टर। और उन्होंने कहा, एक लेडी डॉक्टर ने कहा, जिस तरह से बंगाल में डॉक्टर की हत्या कर दी गई है, इसको लेकर मैं घोर निंदा करती हूं और ये कहना चाह रही हूं कि वहां के मुख्यमंत्री एक लेडी है, गृह मंत्री भी उन्हीं के हाथ में है और स्वास्थ्य मंत्रालय भी उन्हीं के हाथ में है, फिर भी इस तरह के दुर्घटना के बाद भी अपराधी को क्यों छोड़ा जा रहा है, क्यों चुप्पी साधी हुई है वहाँ के मुख्यमंत्री? पहले तो इस पर जवाब देना चाहिए और उस पर कार्रवाई हो, वहाँ के जो अपराधी है उस पर कार्रवाई करना चाहिए, इसके बाद ही इस देश के जितने भी डॉक्टर हैं प्रोटेस्ट करना बंद करेंगे, नहीं तो जिस तरह से OPD सेवा हम लोग ने बंद कर रखा है, उसके बाद यहाँ की इमरजेंसी सेवा भी पूरे देश में बंद कर दिया जाएगा। इस तरह की बातें कहते नजर आ रही है IMA के डॉक्टर, क्या कुछ कहते नजर आ रही है मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।